ये सवाल ये है कि पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम जो है इसके अंदर वित्र के बाद में भी तहज्जुद पढ़ा करते थे, ईशा के बाद में नहीं पढ़ा करते, और फिर यह एक में आता है कि वो आखिरी रकात वित्र को बनाते तो तहज्जुद उसमें पहले पढ़ा करते थे। तो देखिए इसके अंदर ये है कि अगर आप वाकई इसमें मसला ये होता है कि अगर आप रोज़ तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, आपको डेली का रूटीन है, तो फिर आप क्या करें, ईशा की नमाज़ आप पढ़ लें, वो सुन्नत है आपकी, वो पढ़ लें, उसके बाद में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और वित्र को आखिरी नमाज़ बनाएं, उसको इकेरी करना, क्योंकि अल्लाह वाहिद है, वो पसंद करता है, तो इकेरी उसको करना है, तो उसके बाद में पढ़ते थे, ये भी सुन्नत है। और अगर किसी को ऐसा नहीं हो, और ऐसा भी किया अल्लाह के रसूल सल्लम ने कि कभी कभी ईशा के साथ में उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लम ने वित्र भी पढ़ ली और उसके बाद में फिर तहज्जुद भी पढ़ी, उसके बाद भी मिलता है, तो ऐसा भी ज़रूरी भी नहीं कि इस तरीके से ही जैसे वित्र पढ़ ली तो अब तहज्जुद नहीं होगी। तो तहज्जुद पढ़ ले उसके बाद में फिर ये है कि वापस भी कुछ रिवायतों में भी मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने एक वित्र पढ़ ली थी, उसके बाद फिर तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद के बाद में फिर वित्र पढ़ी, तो वहाँ से फिर उसको क्या किया कि वित्र किया, फिर उसको इकेरी किया, यानी एक नमाज से उसको कर दिया, क्योंकि वो क्या होती है, तीन होती है, तो उससे वो हो जाती है, उसके अंदर जुप्त नहीं रहता, तीन या पाँच या फिर सात, तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लम उसको करते थे, या कभी कभी एक भी पढ़ी, अल्लाह के रसूल एक भी पढ़ते थे आखिरी में, जब वक्त कम बचता था, फजर का टाइम होने वाला होता तो एक भी पढ़ लिया करते थे, तो उसको पढ़ सकते हैं ईशा के, आपने ईशा पढ़ ली, उसके बाद में अगर आपने वित्र भी पढ़ ली और उसके बाद में भी अगर आप नींद खुलती है तो भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको डेली का मामूल है तो फिर आप उसके अंदर चाहिए कि फिर अपन उसको जो है वित्र को छोड़ दें और उसके बाद तहज्जुद पढ़कर फिर वित्र पढ़कर उसको हम जो है ताक कर लें, यानी उसको इकेरी कर लें, एक कर लें उसको, इस तरीके से किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। कुछ लोग इसमें कुछ शिद्दत इख्तियार करते हैं, लोग कहते नहीं आपको तहज्जुद आपने, कुछ लोग कहते नहीं था एक बार वित्र पढ़ ली तो तहज्जुद अब आपकी होगी नहीं, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपको पढ़नी है तो फिर वो आखिरी में पढ़नी है, वो सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली तो ये मसला हो जाता, तो ऐसा नहीं है उसके अंदर, हमको मिलता है सब उसके अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लम का तरीका था कि अगर वित्र भी पढ़ लेते उसके बाद भी तहज्जुद पढ़ते और फिर से एक भी पढ़ते थे, ये भी मिलता है, फिर से पढ़ लिया करते थे, तो इसको किसी भी तरीके से किया जा सकता है। असल जो है मकसद अल्लाह की रज़ा है, और रात को बिस्तर छोड़कर उठना वो रज़ा उसका वह मसला है, इसके अंदर कोई ऐसा वाला पहलू नहीं है, वो तो लोग क्या अपनी शिद्दत में बात को साबित करने के लिए वो करते हैं, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं, सभी तरह से इसमें खुली आज़ादी इंशाल्लाह कर सकते हैं, इसी पे हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे।